नमस्ते। देखिए, मैंने यहाँ पे जो कार्ड निकाले हैं वो बहुत ही मुझे नहीं लग रहे हैं कि कार्ड अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग? तो ये देखिए, करंट फीलिंग ये मैंने अब निकाली है, तो ये कार्ड बता रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाह रहे हैं बिल्कुल भी। उनका दिल नहीं है, ना रोमांस का दिल है, ना कोई काम करने का दिल है, और अपनी लाइफ में वो इतने बिजी हैं, इतने परेशान हैं कि वो चाहकर भी अपने रास्ते को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे थर्ड पार्टी से निकलें, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत पछता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो टैरो कार्ड आए हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ऊपर एक फ़ोटो है, ये आप देख लीजिए। ये जो एक उलझन है उनके अंदर, उनकी ज़िंदगी एक तमाशा बन गई है। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल फुथल चल रही है अभी, और वो एक अपने आप को एक जोकर की तरह समझ रहे हैं। ये फाइव ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतनी नेगेटिविटी उनके अंदर थर्ड पार्टी को लेके आ गई है कि उनकी थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने वो प्यार खो दिया है। जो पीछे टू ऑफ कप्स जो हैं, पीछे भरे हुए कप हैं, ये दो कप जो बच रहे हैं वो भरे हुए हैं, उस प्यार को खो दिया है, उस वो प्यार दिखाई नहीं दे रहा है, और थर्ड पार्टी के साथ उनका कोई इंटरेस्ट अभी नहीं मुझे फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे फाइव ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, जो कि बहुत ज़्यादा अकेले हैं तो वो अपने आप से लड़ रहे हैं। अगर वो फैमिली के बीच में रह रहे हैं तो उनका फैमिली वालों के साथ मन मुटाव चल रहा है, उनकी बन नहीं रही है, क्योंकि फाइव ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ऐसी है, बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है। लिब्रा एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, लिब्रा बहुत ज़्यादा है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है यहाँ पे, और यहाँ पे फायर साइन भी है, राशियाँ सारी हैं यहाँ पे। और मैं एक बात और बताऊँ, जो तुम्हारी एनर्जी है, अगर तुम्हारी एनर्जी के साथ मैच कर रही है ये, तो तुम्हारे डीएम के साथ भी तुम्हारी बातें मैच करेंगी। देखिए, तुम्हारी एनर्जी क्या है, तुम अपने घर परिवार में बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत सारे काम कर रहे हो या कर रही हो, और लेन देन का जो आपका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आपको अपने घर में मिल रहा है, आपको तरक्की मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, आपके घर के काम आपने बहुत अच्छे से कर रहे हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और आपके बहुत सारे सपने आपके पूरे हो गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है। आपको ये भी लग रहा है कि जो अब खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में आ रही हैं वो भगवान की वजह से आ रही हैं, मैं बहुत मुश्किलों से निकल के आई हूँ, आखिर वो समय आ गया है या निकल के आया हूँ जो मेरे लिए सही है, जो मेरे लिए परफेक्ट है। ठीक है, डीएम की चिंता आपको तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो आपकी ज़िंदगी में प्यार बहुत, आप खुद से ही बहुत प्यार कर रहे हैं, आप अपने अंदर ही आप अपने डीएम को देख रहे हैं, अपने अंदर ही आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को महसूस कर रहे हैं, और घर के कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और अपने हार्ट चक्रा को आपके शांति मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है। कुछ बातें हैं जो आप किसी और से कहना नहीं चाहते, सिर्फ भगवान के साथ आप कहना चाहते हो, और भगवान आपको वो खुशियाँ, वो रास्ते आपके लिए खोल रहे हैं जो रास्ते आपके लिए होने चाहिए। तो ये है आज की टैरो कार्ड से जो एनर्जी आई है निकल के, थर्ड पार्टी को लेके आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं और परेशान हैं बहुत ज़्यादा, उनके साथ उनका जीवन अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है। तो मैंने कार्ड दिखाए हैं, कार्ड की एनर्जी आप देख सकते हो। नमस्ते, मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। ठीक है।